आ जाए आ जाए, हम भी। उलमा फरमाते ने कि तीन मस्जिद ऐसिया ने जिन्हों देखण दा सवाब है, बाकी जिहड़ी भी ज़ियारतां तुसीं अपनी जिहड़ी याददाश्त है ना वह इत्यादि करनी है। एक हज़ार का माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी जनाब आप जो है वो गलत हैं, 40 का नहीं 1000 नमाजों का सवाब है। दो नफल पढ़ने का मकबूल उम्र का सवाब है। अच्छा बहुत खुशी चले जी। अच्छा जी फाइनली जो है वो मस्जिद नबी के अंदर हम एंटर हो गए और इंशाल्लाह की नमाज जो है वो अदा करेंगे। बोलता है बंगला वाला बोलता है अंदर में हम चीनी डालेगा, हुमस के अंदर बोलता चीनी डाले, मैं बोला चीनी कौन डालता, बोलता हम डालेगा भाई। जी जी अवैस भाई हमारे साथ हैं, ये मैं जो है घुमाने के लिए ले गए हैं। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया। ये हमारे पीछे जो इस टाइम जनाब ओहद पहाड़ है, ओहद पहाड़ की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो अवैस भाई बताएंगे। ये ओहद पहाड़ है, इधर जंगे ओहद हुई थी। इस तरफ है कि वो है उस तरफ, ये इधर जंग हुई थी। अच्छा ये वैसे ये भी ये जो सारा पहाड़ है ना, ये सारा पहाड़ी सिलसिला ही है। अच्छा अच्छा जंग हुई थी वो इधर, ओके इधर 70 सहाबा शहीद हुए थे। अच्छा आप इधर आ जाओ सामने आ जाए, इधर 70 सहाबा शहीद हुए थे। अच्छा नाल नाल चले जाओ। इधर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने सहाबा को कहा था कि आपने नीचे नहीं उतरना, तो नीचे कोई माल गनीमत बांटी जा रही है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और सहाबा नीचे हैं, पीछे से कफार हैं, उन्होंने पीछे से पहाड़ी के ऊपर चढ़ के हमला कर दिया और 70 सहाबा इधर से शहीद हुए। वो जो फिर आप बता रहे कि पहाड़ सा चल पड़ा था जब उनकी वो जन्नत में लेके जाने लगे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो है इसको आप इनको इधर ही दफन कर दें, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी जो है पूरा मदीने का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि पहले आप बता रहे थे कि मदीना जो है सिर्फ लिमिटेड था, वो मस्जिद नबी जितनी थी ना उसकी हदूद में था। जी जी अच्छा 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 उसके बाद फिर ये वसी हुआ है। आपने एक और भी बात बताई मुझे अच्छी लगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से बाहर जाते थे तो मुंह डाम के जाया करते थे, तो जब वापसी आता था तो यहाँ पे आके वो लंबी लंबी सांसें लिया करते, कहते मदीने की हवा में भी शिफा है। और ऐसे फील हो रहा है कि हम सुबह ही बात कर रहे हैं, इधर आके यार बंदा रिफ्रेश हो गया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किधर आ गए। कितनी वॉक किया हमने, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਦੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਜੀ ਹਮ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ सारे लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे, हम क्यों ना जाएं। अच्छा जी इस टाइम जो है बिल्कुल टॉप पे आ गए थे, दुकान लगी हैं, ये रूफ टॉप पे दुकान है, ये देखें ये सारे जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है खड़े होंगे इधर। ओ उस तरफ जो है सहाबा की कब्रें हैं, वो सामने देख रहे हैं, वो सामने सहाबा की कब्रें हैं सारी, वो उसके अंदर जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे उधर वो सारी कब्रें हैं। अच्छा बताएं भाई। अच्छा उलमा फरमाते ने कि तीन मस्जिद ऐसिया ने जिन्हों देखने का सवाब है, बाकी जिहड़ी भी ज़ियारत अपनी जिहड़ी याददाश्त है ना वो इत्यादि करनी है। मस्जिद नबी है वो तुसीं जा के उन्होंने देखते भी रहोगे उसका सवाब मिलेगा। मस्जिद हरम है मक्का, मस्जिद अक्सा, सारी तीन जिहड़ियां ज़ियारतां ने ना उन्हां नूं तुसीं आकर जा के देखोगे उन्हां दा तुहानूं सवाब भी होएगा और उत्थे जिहड़ी तुसीं इबादत करोगे वी इंशाअल्लाह कबूल होएगी। अच्छा, बाकी असीं जिहड़ियां भी ज़ियारतां कर रहे हैं ना इत्थे जा के एक असीं अपनी याददाश्त कर रहे हैं,
दूसरा यह है कि उसे जाके असि जो नवाफल अदा करने ने या कोई इबादत करनी उदा सवाब मिलेगा। सही सही समझ गए आप का सवाब। हां सही हरि ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन नीचे। सही सही ये सारा शोरा की कब्रें यहां पे हम यहां पे देख ले। सारी पत्थर कर दी हुई है सारी हो गई होंगी कितने सौ साल सारी जो इस टाइम जो प्लेन जमीन बन चुकी हुई है और यहाँ पे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सारे चार दीवारी किया उन्होंने। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी मस्जिद किबला तैन जहाँ पे जो है वो किबला चेंज हुआ था। किबला था मस्जिद अक्सा की तरफ। अभी मक्का की तरफ वो नमाज के दौरान ही मेरे ख्याल से चेंज हुआ था किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे शायद ऐसा कुछ है। इशारा हुआ था वही वही आई थी तो लेकिन नमाज के बाद हुआ था। क्योंकि मसला ये है अच्छा कोई कह रहे हैं कि नमाज के दौरान हुआ था। अच्छा अगर नमाज के दौरान होता तो इमाम साहब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े थे। अगर वो अपोजिट में हो जाते हाँ पीछे पे सबसे हो जाते बिल्कुल ना। हाँ कोई उलमा कह रहे हैं कि नमाज के दौरान हुआ था कोई कह रहे हैं कि नमाज के बाद हुआ वही नमाज के दौरान। सही 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 सही। तो चलो जी आपको दिखाते हैं मस्जिद किबला तैन भी। अच्छा जी मस्जिद किबला तैन में हम एंटर हो रहे हैं जनाब। तो ये मेन की एंट्रेंस है यहाँ से। अच्छा जनाब इस तरफ जो है वो किबले की तरफ हम घर का भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो है वो इस तरफ जनाब इस तरफ किबला था जो फलस्तीन में मस्जिद अक्सा जिसके पीछे सारे यहूदी पड़े हुए हैं उसको शहीद करने के लिए। लेकिन हम ऐसे होना नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए इस तरफ किबला था तो उधर से शिफ्ट होके इस तरफ जो है वो मुँह फिर गया था। तो इस तरफ फिर अभी हम नमाज मुकर के पढ़ते हैं किबला की तरफ। अच्छा जी ये जो थोड़ी सी हिस्ट्री पहले बता देता हूँ जो कि मैंने भी अंदर नहीं जाने देंगे अगर लॉक की हुई है। हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। वो क्या थी कि जब यहाँ पे खंदक खोदी गई थी आपने पढ़ा होगा अभी अपनी किताबों में गज़वा खंदक के बारे में। तो सहाबा कराम जो है ना अपने मोर्चे बना के बैठे हुए थे। कोई इधर बैठा हुआ था अब मेरे पीछे देखने कोई वो ऊपर बैठा हुआ था ठीक है कोई वो इधर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते थे तो उसी मुकाम पर जो है ना उनकी याद में जो है वो मसाजिद तमीर कर दी गई। सात मस्जिदें ही यहाँ पर इसलिए इसको मसाजिद सभा कहते हैं। सात मस्जिदें सभा अरबी में सात को कहते हैं। ये तीन दो मस्जिदें शहीद करके बड़ी बनाई है तीन को मिला के एक बड़ी मस्जिद तैयार की है। एक वो ऊपर है जो देख रहे हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा जूम करके सभा मसाजिद वो मस्जिद बनाई है। एक वो ऊपर मस्जिद है एक ये है अंदर जाने नहीं देते सिर्फ बड़ी मस्जिद में जाने देते हैं मेरे ख्याल से। एक उधर भी ऊपर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब ये समझ लो तीन चार पाँच छः एक वो उसकी बैक साइड और एक वो ऊपर है उसकी बैक साइड पे है। सात सात मस्जिदें हैं जनाब यहाँ पे। तो ये इसका है। आइसक्रीम खानी है नहीं आइसक्रीम नहीं खानी देसी आइसक्रीम देसी आइसक्रीम चलो भी खिलावांगे। हाँ अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं जी ओवैस पर जाकर पूछते हैं मस्जिद जुम्मा इसके बाद मस्जिद जुम्मा चलते हैं जी। हाँ जी अभी हम पहुँच गए मस्जिद जुम्मा। यहाँ पे इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया गया था। उसके बाद फिर जुम्मे का आगाज़ हुआ था। इसका देखें मस्जिद का नाम भी मस्जिद जुम्मा है ये देखें आप मस्जिद हम नफा पर अदा करेंगे अभी। अच्छा जी अभी हम पहुंच गए मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की हिस्ट्री है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हर हफ्ते के रोज़ फजर की नमाज़ के बाद मस्जिद नबी में फजर की नमाज़ पढ़ते थे और हर हफ्ते के रोज़ जो है वो फजर की नमाज़ के बाद यहाँ पे आके दो नफल अदा किया करते थे। ये तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है तो वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल के इस मस्जिद में आया करते थे। देखें यहाँ पर लोगों का रश है लोग भी यहाँ पर नफल अदा करने के लिए आते हैं।
ज़ियारत के लिए आते हैं, दिखाते हैं आपको जी। यहाँ से एंट्री है, दो नफर पढ़ने का मकबूल उम्र का सवाल। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दो नफर अदा करें तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा कि उम्र आपका कबूल हो गया माशाल्लाह जी। मस्जिद कुबा में हमने जो है वो दो नफर अदा कर लिए, अभी जो है वो जोहर की नमाज का जो है टाइम होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे हम उससे जमात में जा कर शामिल हो जाए मस्जिद नबवी में, क्योंकि वहाँ पर नमाज का ज़्यादा सवाब है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक नमाज फर्ज नमाज वहाँ पढ़ने का 40 नमाजों का सवाब मिलता है, ऐसे कुछ है, तो हम इंशाल्लाह उधर जा कर कोशिश करेंगे नमाज पढ़ें। अभी 1000 का माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो कह रहे जी जनाब आप जो है वो गलत हैं, 40 का नहीं 1000 नमाजों का सवाब है, तो हम उधर ही कोशिश करते हैं जाके इंशाल्लाह नमाज पढ़े, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस टाइम जो है मस्जिद नबी की हम पार्किंग में एंटर हो गए हैं, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जनाब जब तक यहाँ पे पार्किंग को खाली नहीं होगी ना, तब तक ये ओपन नहीं होगा, बाहर सिग्नल लगा हुआ है, पार्किंग होगी तो वो ग्रीन होगा, नहीं होगी तो वो रेड हो जाएगा। अभी नमाज का टाइम है तो ये पार्किंग जनाब है इधर, ये पार्किंग बी बताई थी ना, बी बी फॉर बॉल, पार्किंग बी में आपने आना है, ठीक है, अंडरग्राउंड जो पार्किंग है, तो ये सीधा आपको वाशरूम्स के थ्रू जो है ना वो आपको लेके जाएगी ऊपर सीधा मस्जिद के अंदर। ये देखें ये शॉर्टकट वे बता दिया आपको, और पार्किंग की जो फीस है वो है जी 1 रुपया घंटा, 1 रियाल का घंटा, और ऊपर 15% टैक्स है, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो। अच्छा जी, ज़्यारतें हमारी अलहम्दुलिल्लाह फाइनली जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, जो बड़ी बड़ी थी और तो बहुत सारी हैं वैसे। नमाज़ पढ़ के अभी हम जो है ये हुदा तुर्की रेस्टोरेंट पे आए हैं, इधर सुबह भी आए थे हम नाश्ता करने के लिए टैक्सी पे आखिरकार टैक्सी लेनी पड़ी, यहाँ पहुँचे तो आगे रेस्टोरेंट बंद था, 12 बजे खुलता है, इधर अभी हम जो है वो तुर्किश रेस्टोरेंट पे हम दोपहर का खाना खाएंगे जनाब। मैं चेक करता हूँ इधर क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा जी, ये इनका मेन्यू है, ये नाम इन्होंने अरबिक में लिखे हैं, तुर्किश में लिखे हैं, अगर पढ़े जाते तो पढ़ लो, साढ़े को तो नहीं पढ़ेगी, फ़ोटो वे के ऑर्डर किया है हमने, ऑर्डर किया ये ग्रिल और साथ में ये चम्पे और साथ में इसका क्या नाम था, फतायर फतायर ना, हाँ ये हमने ऑर्डर किया, ठीक हो गया, अभी आता तो फिर आपको दिखाते हैं शक्ल कैसी है। अच्छा जी, इसका जो शेफ है वो बंगाली है लेकिन वो तुर्की खाना बनाता है, वरना तुर्की तो सही क्या है एक्सपेरिमेंट देख लेना, जे सही लगा खावांगा, नहीं जो खाना पड़ा देंगे। ये ऑर्डर किया तो ये चीज़ें, ये फतायर है, ये इनकी ब्रेड आ गई, अच्छा भी फ्रेश नहीं है, गर्म करके लाए, नहीं गर्म करके लाए क्या, ये इनका जो है वो बारबेक्यू है, ये इसकी शक्ल मुझे कोई ठीक लग रही है, ये भी ठीक है, है नहीं सही, ठीक है चलो खाओ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये रेस्टोरेंट देख ले मेरे पीछे, अगर आप पाकिस्तानी हैं अच्छा खाना पसंद करते हैं तो आपने इधर बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि मेरी वजह ना होगी मुंह मारी, तुर्की वाला है, अंदर सारे बंगाली बिठाए हुए हैं, और बंगला वाला बोलता है, बंगला वाला बोलता है अंदर में हम चीनी डालेगा, हुमस के अंदर बोलता चीनी डालेगा, मैं बोला चीनी कौन डालता, बोला हम डालेगा, बाद में मुझे कहता तुर्की वाले लोग ऐसे ही खाते हैं, मैं बोला अच्छा, मैं कहा ऐसे फर्स्ट टाइम खाने लगे तुर्की का खाना, यकीन करो खा के तबीयत मेरी आवाज़ार होगी, बस एक चीज़ ठीक सी चांपा वो ट्राई करनी थे कर लो, वो ठीक सी, बाकी मनु नहीं है ना पसंद आया, तो ऐसे बिल्कुल लाना कितने और चल जाओ, अलबेक खा लो ठीक है, हाँ जियो। चलो अब क्या प्लान है, अब किधर जा रहा है, वॉकिंग बैग उठा के मस्जिद नबवी, अभी बैग उठा के वापस मस्जिद नबवी जाएंगे, क्योंकि हमने विजिट करना है जन्नतुल बकी। अच्छा, रात को जो हमारे साथ सीन हुआ मैंने तब बताया नहीं, हम जो है होटल की तलाश में निकले, एक बंगाली हमारे पीछे से आया, हमको बोलता भाई रूम चाहिए, हम बोला चाहिए, हम इतने थके हुए थे, हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, हमने कहा चलो, उसने हमें टैक्सी में बिठाया, टैक्सी में बिठा के लेके आया, और रूम दिखाता हूँ आपको ठहरे रूम बस ठीक है लेकिन इसके बाहर वाला जो मॉल है मैंने आपको दिखा दिया, तो आपने जो है वो डर जाना है, रात जिन पै गए सी सानू एक तरह दे, ये देखो यू नो व्हाट इज, देखो जी
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਹੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੇਂਜਰ ਲਿਫਟ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਨਸੀਹਤ ਆਪਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਹ ਚਲਤੇ ਮੁਸਾਫਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਸਾਥ ਹੂਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਸ ਹਮਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਔਰ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਹਮ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾ ਇਨਕੀ, ਇਹ ਲੈਟਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਨਕੀ ਲੈਟਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਤੋ ਐਸੇ ਨਿਕਾਲੋ ਸੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਭੀ ਹਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਕੀ ਤਰਫ, ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਹਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਕੇ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਉਸੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੈਕਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਹਮਨੇ ਰਾਤ ਕੋ ਦੇਖੀ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹਮਾਰਾ, ਹਮਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪੜਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਆਏ, ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਾਕਟੇਲ ਜੂਸ ਆਰਡਰ ਕੀਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੇ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੇ ਹਰਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਰਮ ਹੈ, ਇਤਰਾ ਯੇ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਬਨੀ, ਇੱਧਰ ਸੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਸਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਯੇ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਪਾਰਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਦਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਹਜ਼ਰਾਂ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ ਕਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ ਕਾ ਗੇਟ ਜਹਾਂ ਪੇ ਬਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਡ੍ਰੋਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੋਪ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੇਟ ਸੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਅਭੀ ਬਸ ਹਮ ਨਹੀਂ ਬਾਦਾਤ ਮੇਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਜਨਤੁਲ ਬਕੀ ਮੇਂ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਗਰਿਬ ਕੀ ਇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਆਕੇ ਉਮਰੇ ਕੇ ਲਈ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਪੱਕੇ ਜਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਨਬੀ ਕੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਫਿਰ ਕੰਧੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਭਾਗਤੇ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੰਧਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮਈਤੋਂ ਕੋ ਭਾਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਡੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੀ ਮਈ ਤੇ ਹਜ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ ਐਸੇ ਮਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬੇਚਾਰੇ, ਬੇਚਾਰੇ ਕੇ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ
हाथ फाड़ के रखो। ईशा की नमाज़ें पढ़ ली है, ये देखें जनाब हमें फ़ोन मिले यहाँ पे, ये हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम और मज़े शख्सियत हैं जो है इंशाल्लाह निकल रहे हैं मक्का के लिए। बता रहे थे हमें एक 300 सहाबा वाला जो एहराम बांधा जिन्होंने जी जी, जहाँ से वो थोड़ा सा मुझे बता दें आप गाइड जी। आप एक तो मस्जिद आयशा से बांध सकते हैं, दूसरा जाके ताइफ से बांध सकते हैं, और तीसरा जो है आप हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से एहराम बांधा है, वहाँ से जाके आप एहराम बांध के वापस आए तो वो अच्छा है, तो अल्लाह पाक का फौजर दें और कबूल फरमाएं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बात आपसे जो मैं याद रखें बहुत खुशी। चला जी, जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू इंशाल्लाह, हम रात में रहेंगे वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।